दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो एक्चुअली हम बाजार समिति बैगोड में आना 57 है वहाँ पे एक्चुअली आए हुए हैं, क्योंकि हमारे एक चाहने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मुझे दुर्गा पूजा का इनवाइट दिया है और वो बहुत दिन से हमारा वीडियो भी पढ़ते हैं और उनसे भी मिलवाएंगे। फिलहाल हम आप इधर दिखाइए, ये एन एच 57 और आप देख सकते हैं ये चौराहा हुआ। अब पीछे घुमाइए, इधर रोड हो गया आपका बाजार समिति रोड हो गया। ये जो भव्य दृश्य पीछे दिखाइएगा आप, ये जो आपका दृश्य है ये आपको बाजार समिति रोड में बाजार समिति के सामने NH 57 पे आपको भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है। ये दुर्गा पूजा का है। शंकर कुमार है जो हमारे चाहने वाले हैं, एक बताएंगे आप इधर। शंकर कुमार अपना नाम बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम शंकर कुमार हुआ और मैं इस पूजा पंडाल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये ग्योमी कोठिया बाजार समिति रोड यहाँ पे भव्य पंडाल का आयोजन किया गया है। बाबा बर्फानी का सीन यहाँ पे दिखाया गया है और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हर साल की भांति इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ जुटाने का मैं कोशिश करूँगा। आप ये बताइए इसे बना एक्चुअली ये कौन सा जगह है, क्योंकि मैं तो अपने स्तर से बताया हूँ, आप भी अपने स्तर से बताइए ये कौन सा जगह है। ये ग्योमी कोठिया बाजार समिति रोड, ये ग्योमी कोठिया बाजार समिति रोड के पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ इससे पहले भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिखाए गए थे और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दरभंगा ये जगह, ये जगह कौन सा है? ये है बाजार समिति रोड, ग्योमी कोठिया बाजार समिति रोड है और यहाँ पे बहुत बड़ा 1 किलोमीटर की दूरी के ज्यादा ही हो सकता है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बाबा बर्फानी का सीन दिखाया गया। यानी इनके कहने का मतलब हुआ बाबा बर्फानी, आप जानते होंगे बाबा का धाम है, उसी का नकल किया गया है और बहुत बढ़िया। हर वर्ष यहाँ पे मतलब गुफा बनाया जाता है, इस वर्ष भी लगभग 1 किलोमीटर में समथिंग। जी हाँ, 1 किलोमीटर में इसका पूरा परिसर घुमा दिया गया है। हम आगे भी घुमाएंगे, चलिए ये जैसे जैसे दिखाएंगे आपको पहले दृश्य दिखाते हैं। आपको कैमरा मैन इधर आइएगा, आप इधर आइए, यहाँ ये कैमरा सही से लीजिए। आप पहले दृश्य दिखाइए, वहाँ दिखाइए, आप स्लोली दिखाइए, आप आइए दिखाइएगा। आप शंकर जी, हाँ दिखाइए, और आपको हम ले चलते हैं। ये आप कल शोभा यात्रा भी है कलश का, लगभग 1500 कन्या जो कुमारी है वो भाग लेंगी कलश यात्रा में, तो आप देख सकते हैं। आप कैमरा मैन थोड़ा पीछे से दिखाइएगा गेट, क्योंकि अभी बंद है, कल से खुल जाएगा, तो चलते हैं। शंकर कुमार बताइएगा कैसे क्या बना है, यहाँ बात कीजिएगा। चलिए बोलिए शंकर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, स्लोली दिखाइए, ऊपर से कुछ और अंदर कुछ और, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ अंदर से दिखाना चाहूँगा। आप जिस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग यहाँ पे आ सके और यहाँ पर आके दर्शन कर सके दरभंगा में, और इतना बड़ा इतना भव्य बनाया गया है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आपको मैं खुद यहाँ पे अंदर में मैं घुमाऊंगा, इसके बारे में आपको पूरा विश्लेषण बिल्कुल। और पिछले बार भी चूंकि शंकर कुमार ये हमसे पढ़ भी चुके हैं, इन्हीं के इन्वाइट पर मैं आया हूँ। और आपको जो दृश्य ये NH 57 है, पीछे दिखाइए एक बार प्लीज़, पीछे दिखाइए कैमरा मैन, ये NH 57 है बाजार समिति रोड मेन चौराहा है। आप इधर दिखाइएगा, बाबा बर्फानी का जो बना हुआ है आप ऊपर दिखाइए आप कुमार, आप धीरे धीरे चलिए लो। हाँ, और बहुत भव्य दृश्य बनाया गया, मैं भी बहुत माता रानी का मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। माँ का आशीर्वाद है जो यहाँ आने का मुझे मौका मिला, और तमाम आप चाहने वाले जितने भी हमारे, ऊपर दिखाइए आप, और हमारे व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर जितने भी है, हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। और इसमें भी कुछ उल्टा लिख ही देंगे कोई ना कोई, ये व्यूज़ के लिए नहीं है, चूँकि जब माँ का पर्व होता है तो दिखाना चाहिए वीडियो में। चलिए अब यहाँ दिखाते हैं, शंकर जी से बात करते हैं कैसे क्या है। जी यहाँ, ये यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहाड़ को अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है, सतरंगी कलर में। आप इस वीडियो को यहाँ पे व्यू करके कैमरा मैन के कहिएगा कि दिखाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमें तो। मैं आप लोग से विनम्र अनुरोध करेंगे, जितने भी हैं जो बाजार समिति रोड जो दरभंगा जिला में रहते हैं या दरभंगा जिला के जो निकट है वो आए दरभंगा जिला में, और बाजार समिति रोड में आना है, ठीक है, और बस मुख्य द्वार पे यानी बाजार समिति गेट के जस्ट सामने आपको ये आपको नज़ारा मिलेगा बाबा बर्फानी का। देखिए इतना चोट लग रहा है, बल्कि चोट नहीं है, बल्कि ऊपर दिखाइए कैमरा मैन, ये आशीर्वाद है, और बहुत अच्छा गुफा लगता है, सच में गुफा ही है। चलिए ठीक है, एनीवे इधर आइए, यहाँ दिखाइए आप,
देखिए देखिए क्या नजारा शंकर जी प्लीज दिखाना चाहूंगा यहाँ ही सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जगह जगह हर जगह पे यहाँ पे कैमरे का भी पूरा ख्याल रखा गया है और जगह जगह पे वीडियो भी है यहाँ पे और कैमरा भी लगाया गया है। कम से कम 100 कार्यकर्ता मंदिर में जुटे हुए हैं। कल यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, 1500 कल शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। चलिए बहुत अच्छा लगा। और देखिए अब यहाँ भी कुछ ना कुछ बैठेगा, आज रात का समय है चूँकि यहाँ पे माता का या कुछ भोले बाबा का यहाँ पे फोटो लगाए जाएंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ऐसा सीन दिया गया है यहाँ कुछ ना कुछ भगवान का फोटो लगाया जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्या नजारा, नीचे भी दिखाइए कैमरा मैन। बहुत ऐसा लगता है कि वाकई में ऊपर दिखाइए आप कैमरा मैन प्लीज, क्या नजारा है आप दिखाइए। चलिए और बहुत अच्छा लगता है और हम भी अपनी भावनाओं में खो जाते हैं और कुछ अभ्यर्थी आ नहीं पाएंगे तो उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा लगेगा, चूँकि सभी जगह घूम पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आप लोग को कहूँगा कि घर बैठे भी माँ का जो भी दृश्य देखिए और माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, यही मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ। और चलते हैं अब, वाकई में 1 किलोमीटर लंबा है, मुझे तो यही लग रहा है अभी तक, प्रतीत तो यही होता है। चलिए यहाँ देखिए, ये भी बहुत, देखिए नीचे दिखाइए कैमरा मैन प्लीज़, नीचे दिखाइए आप लोकेशन। आप यहाँ देखिए मेन गे, अब यहाँ पे आप देखिए कैमरा मैन, वाकई में आप अच्छे से दिखाइए लोगों को लगे बाबा कौन सा पे लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है बाबा बर्फानी का और पूरा सज धज के तैयार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि -0 सेल्सियस पे यहाँ पे बर्फ को जमाया जा रहा है। वाकई में देख के तो लगता है सचमुच वहीं का दर्शन होगा। और आप तमाम चाहने वाले जितने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं कहेंगे आप वहीं से प्रणाम कर लीजिएगा, आ नहीं पाते हैं तो क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? नो 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 कुछ नहीं, आप जस्ट ठीक है। तो बहुत भव्य दृश्य है और आप वहीं से कम से कम देखिए, मन में अगर श्रद्धा हो तो कहीं से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस चीज़ को आप नीचे का व्यू देखें, नीचे फब्बारा का भी किया गया, जैसे आप वैष्णो देवी भी जाते होंगे तो सेम वैसा ही दृश्य बनाया गया वाकई में। और पीछे दर्शक सब भी हैं जो देख रहे हैं, आप घुमा दीजिए थोड़ा पीछे, दर्शक लोग भी हैं चूँकि ये हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, चाहने वाले सब हैं। चलिए आप इधर आइए कैमरा मैन, आप नीचे देखिए, नीचे नीचे दिखाइए कैमरा मैन प्लीज़। वाकई में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और देखिए यहाँ सीढ़ी भी बनाया गया, वाटर पूल इसको बोलते हैं। जब आप आएंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि किसी जगह पर गए, ये बाजार समिति रोड में है दरभंगा N57 के पास। चलिए शंकर जी आप इधर आइए, आप भाग जाते हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर्स ही हैं और इन्वाइट किए हैं। इसमें मछली, बत्तख और तरह तरह के कुछ और जानवर इसमें कल आपको देखने को मिलेगा। कल मेला का टाइम है कल, और कल से ही कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ पर इस पानी में आपको मछली, बत्तख, कछुआ और अनेक चीज़ दिखाई जाएगी। यानी कहने का मतलब रंग रंग के जितने भी पशु पक्षी हैं सभी दिखेंगे, यही ना। चलिए चलिए आप अंदर आइए, देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। आप इधर भी देख सकते हैं, जो भी कुछ आपको दिखाना चाहें इधर नज़ारा आपको देखिए, यहाँ दिखाइए आप प्लीज़। और इधर तालाब है और जितने भी आइए इधर आइए रोहित बाबू। मैं कहना चाहता हूँ इस बारे में कि पहली बार इतना लंबा घुमाव दिया गया है, 1 किलोमीटर प्लस ही बताया जा रहा है, इसका बजट भी कुछ कम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 लाख समथिंग इसका बजट है। ओ माय गॉड, समझ सकते हैं 40 लाख कम नहीं होता है। और चलिए ये माता रानी का कृपा होगा और आशीर्वाद है जो बाजार समिति रोड में जो बना हुआ है, यह हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी फर्स्ट प्राइज लावे, यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। चलिए आप दिखाते हैं और इधर का अद्भुत नज़ारा देखिए आप, वाकई में हमें तो नहीं लगा, हम तो कभी बाबा बर्फानी नहीं गए शायद ये व्यूज़। नीचे दिखाइए आप कैमरा मैन प्लीज़, बहुत अद्भुत नज़ारा है। आप लोग जो कोई भी हैं घूमने आइए दरभंगा में बाजार समिति रोड, बाजार समिति में प्लीज़, जितने भी चाहने वाले हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं। मेन द्वार में दुर्गा पूजा का भव्य, आप किधर आएंगे और यहाँ के जितने भी दुर्गा पूजा समिति के सभी संचालक लोग हैं और आप देख सकते हैं अभी पट खुला नहीं है, कल कलश यात्रा है। आप इधर दिखाएंगे दुर्गा माता का
क्योंकि आज अभी खुला नहीं है, इसलिए आप लोग यहीं से नमन कीजिए। कल से दुर्गा पूजा स्टार्ट, मेनली कल कलश यात्रा भी होगा और लगभग 1500 कन्या, कुमारी कन्या जो भी लोग हैं, और हमारे उप मुखिया भी हैं, इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम हो सर? अरुण कुमार महतो। अरुण कुमार महतो जी, आप यहाँ हर वक्त की बात हमेशा होता है, आप इनके बारे में? 5 साल से यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से होता है और हम लोग को जो सहयोग होता है वो हम लोग करते हैं और जनता भी करता है यहाँ का जी। आपको तो यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से होता है, आपको तो प्रत्येक साल देखते भी है, सभी टीम के साथ हमेशा आप लोगों के स्वागत में रहते हैं। आप हमेशा से? हम ही नहीं रहते, सब रहता है, सभी लोग रहते हैं, सभी लोग हमेशा जी। और यहाँ सुरक्षा का इंतजाम किया गया कैसे, क्या मतलब? यहाँ पे प्रशासन को अप्लीकेशन लेके दे दिया गया, यानी जनता को तकलीफ जो भी होगा रोड पे प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया गया, उसमें सचिव और उप सचिव और सब रहेगा, हम लोग भी रहेगा, यहाँ का हम प्रतिनिधि भी है और हम सब लोग ये मीटिंग किया पहले कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु गण आएंगे कोई तकलीफ नहीं हो और तकलीफ हो। आप समझ सकते हैं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया और कल कलश यात्रा है, कल कलश यात्रा, कल सुबह सुबह अभी कलश यात्रा कल है सुबह में। और कितनी कुमारी कन्या है? यानी 1500 प्लस है। आप समझ सकते हैं लगभग 1500 से ऊपर ही है। तो और ग्रामीण लोग भी हैं और सभी से बात करते हैं। आपका नाम क्या? कुलदीप कुमार। आप यहाँ के ग्रामीण निवासी हैं क्या? ग्रामीण है मैं। और इसमें आप लोग का सहयोग होता है? जी 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 हमेशा। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार महतो। चलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा है और हमारे साथ ये उप मुखिया जी हैं, इस बहुत अच्छे इंसान भी है, हमेशा प्रत्येक साल के अभी हर साल के तरह इस साल भी होगा, यहाँ पे कोई श्रद्धालुगण के कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं, और दिक्कत होगा उसके लिए मेडिसिन का भी अलग है, लेकिन और ये हट के रहेगा, और ये डॉक्टर भी है, प्रैक्टिशनर है, और ये बहुत बड़ी बात है, इनके लिए सैल्यूट है इनको, और सेवा करना चाहिए। चलिए आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन की बात ही, आपको माता रानी हमेशा आपकी शुभकामनाएं, आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण करे। दरभंगा वही जगह वही नामचीन आपको पता ही होगा, NS 57 के पास बाजार समिति रोड, बाजार समिति गेट के सामने आपको भव्य नज़ारा मिलेगा, श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, बाजार समिति गेहूमी कोठिया, बाजार समिति दरभंगा, आपको यहाँ का भव्य नज़ारा मैंने आपको दिखाया वीडियो के माध्यम से। अब चलते हैं यहाँ के जो अध्यक्ष है, इस दुर्गा पूजा समिति के जो माननीय जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे बात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, इनकी व्यवस्था क्या है, कैसे क्या हुआ, क्या कैसे, इनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। शुभ नाम? रंजीत कुमार। रंजीत जी, सर आप बताइए यहाँ का कैसे क्या है? ऐसे इस बार बाबा बर्फानी का विशेष रूप से हम लोग एक पंडाल तैयार किए हैं और हमारे संस्था की जो खासियत है वो इसमें एक खासियत ये भी है कि हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता होते हैं सभी एक ड्रेस में होते हैं और 300 कार्यकर्ताओं का एक टीम है जो दिन रात इस पूजा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दरभंगा में इससे अच्छा आपको पंडाल नहीं मिलेगा। अब बिल्कुल वाकई में अभी हम घूमे भी हैं और वो दृश्य मैंने आपको दिखाया भी है, और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया, बाय द वे कह सकते हैं CCTV से लैस है सुरक्षा का, 36 कैमरे समझ सकते हैं 36। और ये पिछले कुछ साल पहले भी ये पूरे दरभंगा जिला में फर्स्ट आए हैं, ये बताएंगे कौन से SP में आए थे एक्चुअली। और वाकई में यहाँ का दृश्य भी कुछ अलग है, लगभग 1 किलोमीटर में इनका जो प्रक्षिमन किया गया है गुफा का, बाबा बर्फानी का गुफा का 1 किलोमीटर में, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और इनसे पहले भी फर्स्ट प्राइज आया, कब आया था सर फर्स्ट प्राइज? 2018 में फर्स्ट प्राइज आया, और मुझे लगता है आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इस साल भी ऐसा होगा। अब वो माता रानी जाने, अब बिल्कुल माता रानी बिल्कुल चाहेगी, चूंकि जो भक्त आएंगे वही तय करेंगे कि हमारे भक्त को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कभी नहीं आए हैं उनको आने के लिए क्या? हम तो चाहेंगे कि 100 परिवार जितने भी जो आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं आप एक बार हमारे पंडाल में जरूर आइए, यहाँ का जो डिसिप्लिन है हमारे संस्था का वो भी आपको देखने को मिलेगा, और तरह तरीके के हम लोगों ने कुछ पहाड़ों के बीच में बनवाया है जो गुप्त है, वो वाकई में मैंने दिखाया है चीज़ को जी। अगर आप आएंगे कल तो जरूर दर्शन करेंगे उनका, कल खुल जाएगा पट जो भी कुछ है, कल खुल जाएगा, और कल इस पूरे दरभंगा में सबसे बड़ा कलश यात्रा भी का भी आयोजन किया गया है जो लगभग 1500 कलश एक साथ उठता है। आप समझ सकते हैं कल लगभग कुमारी कन्या जो आएंगी लगभग 1500 कलश यात्रा में भाग लेगी, ये एक रिकॉर्ड है, यहाँ का हर बस रिकॉर्ड ही होता है। खगेनी में अब बहुत बहुत धन्यवाद इनको कहेंगे, और सचिव साहब से बात करते हैं। सर शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ। गोपाल जी, और ये हमेशा से सेवा में लगे रहते हैं माता रानी का, और यहाँ के बारे में कुछ आप भी बताइए अपने मुखारविंद से। हमारे अध्यक्ष साहब आपको बता दिए हैं, सारी जानकारी दे दिए हैं,
और यहाँ का प्रशासन से हमको अनुरोध है कि वो इस बार हमको अच्छे से मदद करें। आप बिल्कुल करते हैं, ठीक है जी जी। आप अपने तरफ से भी अपने इसके के माध्यम से भी प्रशासन को कह दें जी जी कि बढ़िया से हम लोग को सहयोग करें। बिल्कुल, प्रशासन भी इसमें सहयोग कहने की बात नहीं है, वो तो करेंगे ही, चूँकि दुर्गा पूजा समिति एक बहुत बड़ा पर्व होता है। खगड़ी में देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, ये सभी समिति के जितने भी लोग हैं हमारे जी जी। हाँ, वाकई में आप देखिए, कैमरामैन दिखाइए आप, 40 लाख रुपया का यहाँ का कितना लाख, 35 से 40 लाख का बजट होता है, आप समझ सकते हैं लगभग 40 लाख एस्टिमेट कम नहीं होता है। और जो कोई भी चंदा भी देना चाहते हैं तो चंदा दे सकते हैं, चूँकि माता रानी के नाम पर चंदा देना चाहिए। और जब कहते हैं लक्ष्मी, जब आप बांटते हैं दान में देते हैं तो आपके घर लक्ष्मी आती है। कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पातृत्वम, विद्या बांटने से बढ़ता है तो धन भी बांटने से बढ़ता है। तो धन का इस्तेमाल दान कीजिए, ये दान पुण्य का काम है, हिंदू धर्म में ऐसा होता है। और चलिए, आज का नज़ारा यही था, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और ये दुर्गा पूजा समिति श्री श्री 108 जो आपको बाजार समिति रोड में जो मैंने बताने का प्रयास किया, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय माता दी।